लास्ट मोमेंट में ये प्रोग्राम के बारे में देखा। वैसे तो मैं निवेदिता नई दिल्ली से आई हूँ और फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, फिर पद्मा जी से बातचीत हुई कि मैं इसमें सहभागी हो सकती हूँ क्या, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा कि क्यों नहीं, आपको तो आना ही चाहिए। और उन्होंने खाली मुझे निमंत्रित ही नहीं किया तो मंच भी उपलब्ध करके दिया। और मंच पे जो मैं दिल्ली से मराठी मैगजीन निकालती हूँ दी कोर, उसकी मैं संपादिका हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे कल उसका विमोचन भी यहाँ के बहुत अच्छे से माननीय अतिथियों के साथ करवाया, मंच उपलब्ध करवाया। और कल से लेके आज के मोमेंट तक ऐसे कहा जाता है कि योजक अस्तत्र दुर्लभा, तो ये जो आयोजन है वामा सखियों का हो या साहित्य समागम हो, जो भी सब साथी हैं हमारे, उन्होंने इतने अच्छे से नियोजन पूर्व बनाया है कि जस्ट हियर आई एम स्पीचलेस फॉर देम एंड ग्रेट सैल्यूट। और वुमेंस डे के पूर्व संध्या पे ये इतना अच्छा यशस्वी आयोजन करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। तो सभी को मैं फिर से नई दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ से भी मेरे कुछ सहेलियाँ मिल गई, कोई ओडिशा से आए तो ये बस बन सकता है तो मालवा में, और अपने अहिल्या देवी होलकर दीदी के बस उन्हीं के इंदौरी नगरी में। धन्यवाद। और मेरा नाम स्नेहा काले है, मैं हिंदी मराठी दोनों में लिखती हूँ। और मेरा विशेष कार्य ये है कि मैंने मराठी की अमराठी लोगों के लिए 4th तक की टेक्स्ट बुक लिखी हुई है। वैसे मैं कविताएं लिखती हूँ और ये छंद जो है वो बचपन से ही है और ये शायद मुझे मेरी माँ की विरासत है। और जो आयोजन हमारे सभी संयोजकों ने किया है वो बहुत ही सुंदर था और हम सब उम्मीद करते हैं और जो इससे काम में लग जाते हैं कि अगले साल इससे भी और सुंदर और बढ़िया कार्यक्रम। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।